इन द लेटेस्ट इंसिडेंट्स ऑफ कोलकाता, जहाँ पे एक डॉक्टर का रेप और मर्डर हो गया है बहुत ही ब्रूटल एक्ट से, बहुत ही ब्रूटलिटी के साथ, इन माई वेरी ओन सिटी कोलकाता। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कोलकाता में, लेकिन अभी ये भी देखने को मिल रहा है। हम लोग कल, मैं भी कल रात गया था इन द प्रोटेस्ट, जहाँ पे वे हैव टर्न मेरा रात दखल करो सेखने वी हैव गॉन, वहाँ पे वे हैव डन द प्रोटेस्ट। लेकिन उस प्रोटेस्ट के बीच में मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा था कि मैं तो आप लोगों के साथ, तुम लोगों के साथ बात करता हूँ, अपना व्यू पॉइंट शेयर करता हूँ, लेकिन अभी इस पॉइंट में हो सकता है अनटिल वी कंट्रोल द मैड पीपल, मैड सिख पीपल ऑफ आर कंट्री, सिख गाइज ऑफ आर कंट्री। एक वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो है लड़कियों के लिए, एंड इंक्लूडिंग दैट लड़कों के लिए भी सेफेस्ट पोस्टिंग। ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियों को इसमें ख़राब लग रहा है या दे आर ट्रेम्बलिंग इन फियर, मेनी गाइज ऑल्सो आर सीइंग द ब्रुटैलिटी ऑफ द एक्ट वेयर वी आर हेडिंग। एज अ सोसाइटी वी हैव फेल्ड, एज अ पीपल वी हैव फेल्ड, एज अ क्लस्टर ऑफ कम्युनिटी वी हैव फेल्ड टुगेदर। बट इस पॉइंट में आके ये बात करना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर स्पेशली लड़कियों के लिए कोलकाता में कौन सी पोस्टिंग है, वेस्ट बंगाल में कौन सी पोस्टिंग है जो लाइफ टाइम में भी रहेगा, और इट वुड बी सेफ, सेफ इन द टर्म्स, नॉट इन द टर्म्स ऑफ पीपल बट इन द टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग्स एंड नाइट ड्यूटीज एंड ऑल। इस रिगार्डिंग वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे, लड़कों के लिए भी है और कुछ पोस्ट है इस देश, इस CGL में कुछ पोस्ट है जिसके बारे में कुछ सीक्रेट इन्फो मैं बताने वाला हूँ बोनस टिप्स में। तो ज़रूर वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। अगर CGL 2024 देने वाले हो तो ज़रूर तो देखना ही है, क्योंकि अभी वक्त आ रहा है CGL 2024 का। इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। आई हैव क्वालिफाइड CGL 2 times 14 and 16, उसके पहले बैंक में था 3 साल। मेरा मार्क्स क्रेडेंशियल साई बटन में है, एंड लाइक वेरी फेलो कोलकातंस आई वॉज ऑल्सो अफ्रेड एंड स्केयर्ड व्हेन आई हर्ड द न्यूज़। तब से मुझे लग रहा है अगर एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, एक फीमेल वर्कर अपने, एक फीमेल टीचर अपने स्कूल में सेफ नहीं है, एक फीमेल वर्कर अपने ऑफिस में सेफ नहीं है, तो वो कहाँ पे सेफ होगा। दैट्स वाई आई फेल द अर्ज कि एक बार और डिटेल में बात करेंगे रिगार्डिंग द लाइफ टाइम पोस्टिंग्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, जहाँ पे सेफ एंड सिक्योर पोस्टिंग रहेगा। एज मच एज वी कैन अश्योर, सेफ एंड सिक्योर पोस्टिंग रहेगा। नाउ बात ये है, इस पॉइंट को मैं टच करने से पहले एक पॉइंट बताने वाला हूँ। हाँ, जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन द लेटेस्ट स्टेजेस, क्योंकि CGL 2024 इज़ कमिंग। और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मैंने कल वीडियो भी किया था MTS के ऊपर, CHSL भी दिए हुए हो तुम लोग, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्रैक करने का अगर कोई वन एंड सिंगुलर तरीका होता है वो है सॉल्विंग मॉक टेस्ट, सिमिलर मॉक टेस्ट, सिमिलर काइंड ऑफ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टाइम लिमिटेड टेस्ट, लेकिन मॉक टेस्ट सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर मॉक टेस्ट की सॉल्व करते हैं तो इस देश में अभी इससे बड़ा नाम कुछ नहीं है, टेस्ट बुक। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो देख रहे हो वेस्ट बंगाल से हो, तुम्हें टेस्ट बुक के बारे में पता है। अगर किसी को नहीं है तो मैं बता देता हूँ, टेस्ट बुक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे अभी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए, उसमें से सबसे बड़ा है टेस्ट बुक। टेस्ट बुक का पेपर्स 1.5 करोड़ के ऊपर यूज़र है, 27 लाख के ऊपर पेपर है। एक बार अगर पास खरीदते हो तो एकदम पूरा साल का आपको मिल जाता है। और इस चैनल का जो लिंक है, अभी तो इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है, आज रात 12 बजे के बाद, क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। पर्सनली आई थिंक मेरा मन वो सब नहीं है अभी सेलिब्रेट करने का, सीइंग द हीनस क्राइम ऑफ अ सिटी, बट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन तो देश में हो रहा है और उसी के कारण ये लोग ऑफर चला रहे 347 का मेरे, हम लोगों के चैनल का जो मेड फॉर SSC का जो कोड है, कूपन कोड मेड अगर लगाओगे हो तो एडिशनल 12% डिस्काउंट फिर आपको सिर्फ 307 रुपये में मिल जाएगा, जो इस साल फ्रॉम टुडे नाइट ऑनवर्ड्स आफ्टर 12 विल टच 600 रुपीज़। मतलब 307 का वैल्यू 600 हो जाएगा आज के रात के बाद। तो इट्स बेटर यू एक्ट फास्ट एंड सब्सक्राइब कर लो, पास प्रो ले लो। पॉइंट यह है कि ये क्यों लेना है, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट करना है
मॉक टेस्ट में ये भी देखना है कि मेरा स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या है, मॉक टेस्ट में ये भी जानना है कि मैं कौन से क्वेश्चन में कितना ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, कितना कम टाइम ले रहा हूँ। मॉक टेस्ट में ये भी जानना है जो एग्ज़ाम पैटर्न है वैसे टाइप का क्वेश्चंस क्या आ रहा है। ज़्यादा हार्ड करने से मैं कुछ आईआईटी क्रैक नहीं करने वाला हूँ, ज़्यादा लो करके मैं मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिलने वाला है। तो द स्टैंडर्ड शुड बी आइडियल, द फॉर्मेट शुड बी आइडियल, द जीयूआई द ग्राफिक यूजर इंटरफेस शुड बी आइडियल एंड द क्वेश्चन पैटर्न्स एंड द मेथड शुड बी हेल्पिंग। सब कुछ टेस्ट बुक में है। अगर किसी को अभी तक टेस्ट बुक के बारे में पता नहीं है, गोइंग फॉर सीजल 2024 यू हैव अ वेरी बैड फेट लिंगिंग ऑन यू। बट तुम्हें टेस्ट बुक पता है, तुम्हारा पास है, तो पास प्रो में अपग्रेड कर लो। ओनली 340307 लगेगा। कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना, मेड का, और कैपिटल्स में होगा मेड। और अभी से एक साल का ले लो, क्योंकि CGL CHSL MTS पूरा एकदम टायर वन क्लियर करने के बाद टायर टू भी तो आएगा, तो पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ज़रूर जाओ। अब आते हैं जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है, वहाँ पे है कौन सी पोस्ट है जहाँ पे सेफ एंड सिक्योर करके स्पेशली फॉर गर्ल्स हम लोग रह सकते हैं। देखो CGL में जो पोस्ट है, एक्चुअली बात यह है सरकारी नौकरी है, सेफ तो रहना चाहिए, क्योंकि अनसेफ सिचुएशन होना नहीं चाहिए एब्सोल्युटली सरकारी नौकरी। बट सीइंग द लेवल ऑफ हीनस क्राइम दैट हैज हैपेंड इन RG कौर मेडिकल कॉलेज, मुझे लग रहा है कि अभी सरकारी प्राइवेट करके कोई डिफरेंस नहीं है। गर्ल्स आर ऑलवेज फेसिंग मेनी काइंड ऑफ चैलेंजेस, स्पेशली फॉर फ्रॉम गाइज सिक पीपल। तो उसके लिए सेफ एंड सिक्योर अगर हम करेंगे तो तीन तो चीज़ में डिवाइड करेंगे। एक है शिफ्टिंग ड्यूटी है कि नहीं, एक है ट्रांसफ़र है कि नहीं, और एक है पोस्टिंग कहाँ है, मतलब एक सिटी में है या YZ रूरल में चले जाना पड़ रहा है, क्योंकि रूरल में रहने पहने का आपको खुद से देना पड़ता है ये वो। तो पहली पोस्ट जो मेरे दिमाग में आता है वो है WO। इस साल नहीं आएगा, दो साल शायद नहीं आएगा, क्योंकि बहुत साल लिया हुआ है, लेकिन WO इन अकाउंट्स इज़ अ वेरी गुड पोस्ट फॉर गर्ल्स। सैलरी भी अच्छा है और सेफ एंड सिक्योर पोस्टिंग है, टाइम लिमिट भी दिया हुआ 11 से 6, बस ख़त्म। उसके बाद मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो है CAG ऑडिटर। इस साल CAG में भी आएगा ऑडिटर, और मैं बोलूँगा जितने भी लड़कियाँ ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, यू बिलोंग फ्रॉम कोलकाता, यू बिलोंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, अगर मार्क्स अच्छा है तो ज़रूर ज़रूर अप्लाई फॉर CAG ऑडिटर, क्योंकि ये पोस्ट बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। अगर ऑडिट करने को जाने को बोलता है देन यू कैन ऑल्सो से नो, यू कैन ऑल्सो से अभी नहीं, यू कैन ऑल्सो से यहाँ पे नहीं। ऑडिटर में क्या होता है, ऑडिट करने जाना पड़ता है इन YNZ सिटीज़, डिपेंडिंग ऑन योर सेक्शन, किसी का अगर साइंटिफिक हो, किसी का अगर लोकल हो, डिपेंड्स करता है कहाँ पे कौन सी सेक्शन में तुम्हें मिल रहा है, ऑडिट में जाना पड़ता है। बट इफ़ यू डोंट वांट टू गो यू कैन से नो, और लाइफ टाइम होम पोस्टिंग रहेगा, लाइफ टाइम कलकत्ता में रह पाओगे। तो इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता में, एंड इवन मोर इफ़ यू आर द सिंगल चाइल्ड, एक ही गर्ल चाइल्ड है, आपको देखना पड़ेगा मम्मी पापा को, तो एंड CAG ऑडिटर इज़ अ वेरी गुड पोस्ट। फिर आता है CAG अकाउंटेंट। अगर कोलकाता से हो तो ये पोस्ट अभी मत चूज़ करना, लेकिन अगर किसी और से हो, भुवनेश्वर ये वो, तो चूज़ कर सकते हो। बट सिंस आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट कोलकाता, तो ये पार्ट मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये पार्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन वैकेंसी नहीं है। इसके बारे में जो मैं बात करूँगा इसके बाद में, तो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में UDC जो लेते हैं वो भी 2400 ग्रेड पे है, वो भी बहुत अच्छा पोस्ट है। सिर्फ एस्प्लेनेड में जो एस्प्लेनेड मैंशन है, उसके बाद जो ये CGHS का जो ऑफिस है वहाँ पे आपका पोस्टिंग रहेगा, एवं लाइफ टाइम होम पोस्टिंग ही रहेगा, वहाँ पे ट्रांसफर्स नहीं होता, कभी भी नहीं होगा, एवं एंड 11 से 6, बस ख़त्म। उसके बाद इधर जाना उधर जाना, या ऑडिट वहाँ पोस्टिंग या टूर, ये सब कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है TA CBIC, एकदम डेस्क जॉब है, ऑफिस जाओ, कस्टम हाउस जाओ, काम करो चले आओ, कस्टम हाउस जाओ, काम करो चले आओ, बस ख़त्म, ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पे बोल सकते हो कि सर यही चार पोस्ट हो गया, और कोई पोस्ट नहीं है क्या? है, EA भी होगा CBIC में, क्योंकि EA और TA का कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, ये भी डेस्क जॉब होगा, वो भी डेस्क जॉब होगा, डिपेंड करेगा कि 10 नंबर का आसपास जिसका मिल रहा है उसको ये 4200 ग्रेड पे मिलेगा, और 10 नंबर कम जिसका मिल रहा है उसको TA 2400 ग्रेड पे मिलेगा, 2800 ग्रेड पे मिलेगा। अब आप बता सकते हो कि सर सारे तो 2800 या 4200 ग्रेड पे, आप बताएं।
तो फिर 4600 ग्रेड पे का कोई भी पोस्ट क्या सही नहीं है? मैं 4600 ग्रेड पे का बता देता हूँ। जीएसटी इंस्पेक्टर एक है जो इस साल बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, एग्जामिनर है, आईटीआई है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, पीओ है, प्रिवेंटिव ऑफिसर, और ईडी है, ये सब है 4600 ग्रेड पे में। बात क्या क्या में आ रहा है? जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, आईटीआई, पीओ, ईडी। तो बहुत लोग पूछ सकते हैं कि सर ये क्या गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं है, सेफ एंड सिक्योर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये बात वो बात ये बात। देखो मैं ये कभी नहीं बताऊंगा ये गर्ल्स के लिए सेफ एंड सिक्योर नहीं है। बहुत सेफ एंड सिक्योर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा, मैं यहाँ पे एडवाइस करने वाला हूँ, तो मेरा जो मानना है वो है जीएसटी इंस्पेक्टर में बहुत सारे जगह में रेड्स में जाना पड़ता है, और हो सकता है वो एकदम नाइट में भी रेड्स हो जाए। अब कहीं पे भी अगर रेड में जाना पड़ रहा है तो इट कैन बी अथॉरिटेटिव, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी रिस्की। रेड में जाने वाले हो मतलब वो कोई इलीगल काम कर रहा है, मे बी इट्स ड्रग्स, मे बी इट्स अल्कोहल, मे बी इट्स एनीथिंग एल्स, मे बी इट्स अ डिफरेंट रैकेट, बट रेड में जाना मतलब, इंस्पेक्शन में जाना मतलब इलीगल को कुछ घटाना। अब इलीगल में क्या हो सकता है? क्या इलीगल में कोई कभी कोई लड़की नहीं जाएगा? ये क्या हो गया? फीमेल एम्पावरमेंट कहाँ गया? ये वो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई नहीं जाना। अगर किसी लड़की ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है आई एम वेरी मच सुटेड फॉर दिस पोस्ट, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, कर लूँगा, तो ज़रूर जाओ जीएसटी इंस्पेक्टर करो, 4600 ग्रेड पे ज़रूर करो। 4600 में एक और है जो दिल्ली में बहुत अच्छा है, एएसओ सीएसएस, ये पूरा डेस्क जॉब है और ये 4600 भी है, ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, बट ये कोलकाता में नहीं है। लेकिन जीएसटी इंस्पेक्टर मैं उतना ज़्यादा इनकरेज नहीं करूँगा। यू कैन गो ऑब्वियसली, रेड्स नहीं हो तो घर में बैठ के, मतलब ऑफिस में बैठ के डेस्क जॉब करोगे, ठीक है कोई बात नहीं, बट द पीपल दैट यू वर्क विथ एंड यू वर्क फॉर एंड योर क्लाइंट्स, एंड जो लोग जीएसटी नहीं पे कर रहे वो सीधे तरीके से बात तो करते नहीं है। बात ये है, एग्जामिनर तो और भी, मतलब और भी सेंसिटिव पोस्टिंग है, बहुत सारा करप्शन, ब्राइबरी, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। मैं कभी भी कहीं को भी किसी को भी करप्शन में इंडल्ज करने के लिए नहीं बताता हूँ। करप्शन मतलब सब कुछ करप्शन, सिर्फ पैसा लेना ही करप्शन नहीं है। सरकार एक पैसा आपको प्रोवाइड कर रहा है, उस पैसे के लिए प्रोवाइड कर रहा है मतलब क्या, फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है तो उसको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस करके प्रोवाइड करते हैं महीने में 15-20 हज़ार रुपये कि आप प्रैक्टिस मत करो, ये ले लो। उसी पैसा से लोग चेंबर खोल के प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज इट्स अ नॉर्म, सब कर रहे तो सभी कर रहे, सब ये करता है तो मैं भी ये करता हूँ, सब करते हैं तो सभी करते हैं। पता नहीं पैसों के लिए अब कोई मॉरालिटी, इंटीग्रिटी कुछ भी नहीं है, वरना ऐसा करके डॉक्टर के ऊपर ऐसा क्राइम कभी नहीं होता, कुछ भी नहीं है अभी। फिर भी मैं अपने चैनल में, छोटी जगह में, छोटी दरिया में, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग देखते भी है कहाँ पे पैसा 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 पैसा, यहाँ पे पैसा वहाँ पे पैसा, मैं तो ये बताता नहीं हूँ, तो हो सकते इसीलिए बहुत सारे लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते। इफ़ यू आर नॉट लाइक दैट, काइंडली डू सब्सक्राइब। एक मॉरल, एक इंटीग्रिटी वाला चैनल को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक ध्रुव राठी। तो एग्जामिनर का हो गया, एग्जामिनर के बाद आता है आईटीआई। आईटीआई अगेन बहुत अच्छा पोस्ट है, लड़कियों के लिए भी बहुत खास है, लेकिन रेड्स में जाना तो पड़ेगा एक टाइम ना एक टाइम। अगर यू थिंक इट्स गुड फॉर यू देन ऑब्वियसली गो, अगर यू थिंक इट्स नॉट देन डोंट, कोई बात नहीं है। ऐसा कोई नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल, आईटीआई मिलना ही है, अगर मिलना है तो चले जाओ, तो फिर मेरा बात मत सुनो। पीओ, पीओ में तो शिफ्टिंग ड्यूटी है, पीओ में तो मैं किसी को भी इनकरेज करूंगा ही नहीं, स्पेशली नॉट गर्ल्स, पीओ में तो जाना ही नहीं है गर्ल्स के लिए। ईडी तो ट्रांसफरेबल पोस्ट है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। सीबीआई, ईडी, यहाँ पे हम लोग जैसे देखते हैं सीबीएन, बहुत ज़्यादा ये लड़कों वाला ही पोस्ट है, क्योंकि सेंसिटिव है, इधर उधर जाना पड़ता है, रात बिरात में जाना पड़ता है। एक और पोस्ट है जो डीए है, डीए में बात ज़्यादातर नहीं करते, लेकिन क्योंकि वो डिविजनल अकाउंटेंट सीएजी में ही है और मेरे डिपार्टमेंट के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है, तो मुझे पता है कि डीए इज़ अ, मैं क्या बताऊँ, इट्स अ वेरी डाइसी पोस्ट, इट्स अ वेरी फिशी पोस्ट। अगर आप अच्छे बंदे हो तो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर आप अच्छा नहीं हो तो आप अमीर हो जाओगे। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट में पूछते रहते हैं कि सर
अंडर द टेबल जिनको नौकरी मिला नहीं है, जिसका कोई औकात ही नहीं बना है अभी कोई भी नौकरी मिलने का, वो मुझे पूछते रहते हैं अंडर द टेबल। तो उन लोगों के लिए तो ये वीडियो है नहीं, बट अगर गर्ल्स के लिए, कोई भी गर्ल्स यहाँ पे देख रहे हो, कोई भी जो ज़्यादातर में एक भी अगर लड़कियों को हेल्प कर पाऊँ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, सिलीगुड़ी, हमारे स्टेट में जो भी है, अगर किसी दूसरे स्टेट का देख रहे हो, अपने स्टेट का जो भी है अगर देख रहे हो, तो ज़रूर ये सारे जो पोस्ट है, ये सारे पोस्ट को ज़रूर आप अप्लाई करिएगा, फिर ये सारे पोस्ट में करिएगा। फिर टी ए सी बी डी टी भी है, टी ए सारे पोस्ट ही सही है, ऑफिस जॉब है। मैं बार बार लड़कियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना डेस्क जॉब प्रोफाइल जॉब्स है वहाँ पे जाइए, ज़्यादा पोस्टिंग फील्ड ड्यूटी, जैसे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का एक पोस्ट है, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, इधर उधर जाना पड़ता है, डिफरेंट टाइम्स में ड्यूटीज होता है, आई डोंट सपोर्ट दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड ये सारे पोस्ट मैं रख दूंगा उन लोगों के लिए जो लड़के मतलब खुद को बहुत ज़्यादा वो कर पाएंगे, स्ट्रेच कर पाएंगे, चैलेंज कर पाएंगे डिफरेंट सिचुएशंस में। ऐसा नहीं है कि जीएसटी इंस्पेक्टर आपको मिला तो आपको रेडी करना है, आपको हो सकता है जीएसटी मतलब भवन में बैठ के आपका पेपर वर्क, फाइलिंग वर्क सब कुछ कर सकते हो आप लोग, लेकिन जॉब प्रोफाइल ये है कि आपको वर्धमान जाना पड़ेगा, सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा, जाके रेट वेट करना पड़ेगा, एक रिलेशन बच्चा अच्छा करना पड़ेगा, तो रिस्पेक्ट बहुत है लेकिन रिस्क भी बहुत है। जहाँ पे इलीगल काम आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, यहाँ पे तो दो ही रास्ता होता है, इधर आप हीरो बन के निकल आइए सबको ये करके, इधर आप मर जाइए, क्योंकि कोई ना कोई तो आपके ऊपर गुस्सा हो ही रहा है। और अभी जैसे समाज में जैसे चल रहा है, हो सकता है स्पेशली इन आर स्टेट इन ऑल, ये सिर्फ मेरा स्टेट का बात नहीं है, ये पूरा मेरा देश की बात है, कि पैसा ही सब कुछ है। इन दिस सच अ करप्टेबल वर्ल्ड, डूइंग अ जॉब दैट टू विद सेफ एंड सिक्योर माइंड सेट इज अ ब्लिस, स्पेशली फॉर गर्ल्स। दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ, अगर गर्ल्स का कोई भी डाउट है कोई भी पोस्ट लेके, ज़रूर मेरा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इस वीडियो के नीचे कॉमेंट तो ज़रूर करना, मेरा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है मेड फॉर एससी का जो इंस्टा प्रोफाइल है, मेरा खुद का एक इंस्टा प्रोफाइल है, आई एम प्रत्यय गांगुली, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी डाउट आ रहा है इसके लिए। अभी तक वीडियो देख रहे हो, अच्छा लगा है, ऑब्वियसली लगना चाहिए, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हूँ रिगार्डिंग द इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड। एक डॉक्टर अगर अपने हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, वो जॉब करती है, वो पीजीटी डॉक्टर है, इट्स अ ग्रुप ए सर्विस, ग्रुप ए पोस्ट इन स्टेट गवर्नमेंट, फिर भी पॉलिटिकल टर्मोइल्स, कोई बैकग्राउंड, कोई पोडियम से आके इतना हीनस क्राइम कर सकता है, मतलब इवन आई एम ट्रेवलिंग इन फियर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्टेट, इन दिस कंट्री। कल प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत अच्छा प्रोटेस्ट हुआ है, आई थिंक समथिंग विल चेंज, एटलीस्ट द वॉइसेस हैव बीन हर्ड। बट अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को खुद के हिसाब से जो जो मुझे सही लगता है मैं वो शेयर करूँगा। बहुत लोग यहाँ पे कमेंट मत कीजिएगा कि क्या बता रहे हो लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, वी आर इक्वल, जेंडर इक्वलिटी कहाँ गया, ये वो ये सब जो बताने वाले हो उन लोगों को मैं बता देता हूँ। अगर किसी लड़कों के ऊपर ऐसा कोई क्राइम कभी हुआ, कभी आपको देखने को मिला ऐसा हीनस क्राइम्स, जहाँ पे मारा हुआ है, रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, फिर रेप हुआ है, नेक्रोफिलिया, कॉलर बोन टूट गया है, इतना ज़्यादा कार्टिलेज ख़त्म हो गया है, इतना ज़्यादा अगर ब्रूटल किसी लड़के के ऊपर होता है कभी, फिर आके मुझे बताना कि जेंडर इक्वलिटी है। जेंडर इक्वलिटी है वहाँ पे है जिस समाज में लोगों के पास सेंस है, दोज वो आर नॉट सेक बाई पावर एंड पोजिशन एंड मनी। जब आएगा वो वैसा सोसाइटी तब मैं ज़रूर बात करूँगा, बट अभी वी मस्ट प्रोटेक्ट ऑल आवर सेल्व्स, स्पेशली द गर्ल्स, एंड वी मस्ट रेस्पेक्ट द गर्ल्स, वी मस्ट रेस्पेक्ट वीमेन। दैट्स वाई अगर शिफ्टिंग विफ्टिंग का कुछ बात है तो आप कर सकते हो, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वही एकदम सत्य है, इसके बाजू में कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको सही लगे या गलत लगे इस कमेंट के नीचे, इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना। टेस्ट बुक का पास ज़रूर ले लेना, आज लास्ट डे है, मेड ये कोड यूज़ करके 10% ऑफ ले लो। लास्ट डे चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जल्द से जल्द करोगे तो डबल हो जा रहा है, 600 हो जा रहा है आज के रात के बाद।
तो मेक श्योर यू डू दिस, स्टे ट्यून टू योर फेवरेट चैनल मेड फॉर SSC. कोई भी लाइफ टाइम पोस्टिंग का पोस्ट है, कोई भी वेस्ट बंगाल का पोस्ट है, मैं आई बटन में शेयर करूँगा. और बोनस टिप में मैं यही बात बार बार आपको बताया कि GST, ED, DA, CBI, PO, मे बी इट वोंट साउंड राइट, मे बी इट वोंट फील राइट, बट हमारे देश में अभी भी लड़का स्पेसिफिक कोई पोस्ट है और हो सकता है GST, ED उसमें ही पड़ता है. मे बी नॉट ITI, एब्सोल्यूटली नॉट AS और CSS, एब्सोल्यूटली नॉट EE, क्योंकि ये सबसे हाई ग्रेड पोस्ट है और ये लड़कियों के लिए बेस्ट है. बट एग्जामिनर GST, DA, CBN, CBI, वेदर वी एडमिट और नॉट, मेनली लड़का ही अगर जाए तो ही बेहतर है फॉर देम, नॉट फॉर द कंट्री. कंट्री के लिए तो लड़कियां जाए और ज़्यादा बेहतर होगा, बट इट इज़ वॉट इट इज़. अगर कोई डाउट क्वेरी है नीचे मुझे ज़रूर बताओ, इंस्टाग्राम में ज़रूर मुझे फॉलो कर लो, मेड फॉर SSC, ज़रूर वहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो. आई एम साइनिंग आउट, दिस इज़ प्रत्यय गांगुली फ्रॉम योर फेवरेट चैनल मेड फॉर SSC. और मैं इस वीडियो के नीचे हैशटैग तो कर देता हूँ, वी वांट जस्टिस. आप लोग भी थोड़ा सा हैशटैग कर दीजिएगा इफ़ यू कैन, हैशटैग वी वांट जस्टिस. थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट.